उदयपुर वाटे से राजेंद्र सिंह गुड्डा की जीत के बाद समर्थकों द्वारा जीत का जश्न मनाने का दौर जारी है। समर्थकों द्वारा क्षेत्र में जगह जगह मिठाई बांटकर राजेंद्र सिंह गुड्डा की जीत की खुशी मनाई जा रही है। इधर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बसपा ने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। ऐसे में बसपा से जीत कर गए राजेंद्र सिंह गुड्डा के फिर से मंत्री बनने की चर्चा भी क्षेत्र में जोरों पर है। क्या राजेंद्र सिंह गुड्डा फिर से कांग्रेस सरकार में मंत्री बन सकते हैं? इसी सवाल पर बात करेंगे क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकारों से। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय हो गया है और बसपा ने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, तो ऐसे में क्या राजेंद्र सिंह गुड्डा फिर से मंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? वैसे तो कांग्रेस पार्टी के अंदर तीन जो पुराने विधायक हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, वो जिले का कोटा पूरा कर लेते हैं। लेकिन चूंकि पूर्व में भी चार मंत्री रह चुके हैं जिले में, तो ऐसी स्थिति में अगर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का अलायंस बनता है तो उस अलायंस के कोटे से अगर एक या दो मंत्री भी बनते हैं तो राजेंद्र सिंह गुड्डा का नंबर आ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे झुंझुनू जिले के अंदर पहले जो चार मंत्री थे उनमें से तीन विधायक फिर दोबारा चुन करके आए, तो उनका तो मंत्री बनना लगभग तय है। तो ऐसे में यदि चौथा मंत्री और बनता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो क्या राजेंद्र सिंह गुड्डा फिर से मंत्री बन सकते हैं? नहीं बनेंगे। इसलिए नहीं बन सकते कि बसपा ने जो समर्थन दिया है वो चुनाव से पहले नहीं दिया था। चुनाव से पहले कांग्रेस और बसपा का कोई समझौता नहीं था। बसपा ने अलग चुनाव लड़े, कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़े और दोनों के कैंडिडेट आमने सामने भी चुनाव लड़े हैं। और अब मायावती द्वारा कांग्रेस को समर्थन देना, वो बाहर से समर्थन दे सकती है लेकिन बसपा के जो MLA हैं वो मंत्री नहीं बन सकते। राजेंद्र गुड्डा ने तो ये भी घोषणा की है कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मैं उनको समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। गहलोत के साथ वैसे भी नहीं है, गहलोत के साथ वो पहले थे, अच्छे संबंध थे, जब वो BSP की 6 सीटों को लेकर गहलोत के पास गए थे उस समय संबंध थे। अब तो उन्होंने गहलोत की बात ही नहीं मानी, तो अच्छे संबंध होने का कोई प्रश्न भी नहीं है। राजेंद्र सिंह गुड्डा मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। संभावनाओं की अगर बात करें तो मुझे कम संभावना लगती है कि राजेंद्र सिंह गुड्डा मंत्री बनेंगे, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। ऐसे में संभावनाएं कम ही दिखाई देती हैं कि राजेंद्र सिंह गुड्डा मंत्री बनेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया है कि सचिन पायलट युवा है और इससे युवाओं को लाभ मिलेगा, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि राजस्थान में है कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि राजेंद्र गुड्डा फिर से मंत्री बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है।